सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की को एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पीएनजीज का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, आप सभी को बस करना है क्या गाइस, आप लोगों को जो बस वीडियो को ध्यान से देखना है। एंड गाइस, बस आप लोगों को जो भी मैं स्टेप बताऊंगा आपको उसको ध्यान से देखना है, एंड उसके बाद आपको जाकर अपनी फोटो को एडिट करना है, ठीक है? तो बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। बाकी चले गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सबको सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को जो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। एंड गाइस, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस पहले तो आपको अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है? तो एंड जो मॉडल का बैकग्राउंड वगैरह ना वो इरेज कर लेना पहले, ठीक है? तो आपको जो भी हमारा अपने हिसाब से देख लेना आपको कैसे इरेज करना है। भाई गाइस, अगर आपको नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की, तो आप उसको देख के इरेज कर लेना, या फिर आप यूट्यूब पर जब सर्च कर लेना आपको बतेरी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से सीख लेना, ठीक है? तो आप बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो बस जब आप अपने मॉडल यहाँ पे ऐड करोगे तो गाइस, इसको जो आपकी ओपेसिटी जो अपने मॉडल की कम करनी है, ताकि गाइस इसमें कुछ पार्ट हमें इरेज करना है। जैसे गाइस, इरेजर टूल में जाके आपको जो है गाइस कुछ आगे का जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा गाइस, आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से इरेज करना है, हार्डनेस वगैरह को फुल करके एंड कुछ इस टाइप से, है ना? फिर आपको जब ऐसे इरेज कर लोगे तो गाइस आपको फिर उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, मतलब कि गाइस आपको जो पोज देना है गाइस वो उस पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? मतलब अगर आप कोई अलग पोज करते हो ना, अगर कुछ डिफरेंट, तो गाइस आप उस अपने हिसाब से देखना कि मतलब कि जो पार्ट वगैरह ना इरेज करने लायक भी हो, मतलब कि कुछ अटैच होना चाहिए आपका जो कोई पार्ट है वो रोनाल्डो से अटैच होना चाहिए, ठीक है? तो अभी हम इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, एंड कुछ जो एक्स्ट्रा पार्ट रह गया है इसमें उसको भी इरेज कर लेता हूँ मैं, उसके बाद बताता हूँ आपको करना क्या है। अब गाइस, यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी फुल कर लेते हैं। अब इतना हो जाने के बाद जो है अभी आपको यहाँ पे डन नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें इसमें एक शेडो भी डालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब गाइस देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ से अभी डन नहीं करना है फोटो को, आपको डायरेक्ट जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आपको ब्लैक कलर की शीट, ठीक है? एंड इसको ऐड करने के बाद आपको उसको फुल स्क्रीन करना है कुछ इस टाइप से, एंड इसके बाद आपको उसको रख देना मूव डाउन, ठीक है? एंड इसके बाद आपको जाना है इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद आपको उसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद जो है आपको उसको साइज अपने हिसाब से इंक्रीज करना है, एंड यहाँ पे फोटो को जूम करना है, एंड जहाँ जहाँ पे आपको शेडो चाहिए गाइस वहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको पेंट करना है, ठीक है? एंड गाइस, मतलब कि मैंने आपको जो इस तरीके से शेडो बनानी सिखाई है, इसमें अगर आपको किसी और तरीके से आता तो आप वैसे ही बना सकते हो, ठीक है? तो मतलब शेडो बनानी है, बाकी कोई तरीका कैसा भी हो वो आपको मर्जी है, ठीक है? बता आपकी शेडो होनी चाहिए वहाँ पे, वो चीज़ मैन मैटर करती है हमारी, ठीक है? तो आपको जो शेडो यहाँ पे बना लेनी है, एंड जिस तरीके से बनाओगे गाइस सब देख लेना अपने हिसाब से, एंड बाकी मैं इस तरीके से सिखा रहा हूँ आपको, तो आप इस तरीके से भी चाहो तो बना सकते हो। तो सब कुछ पीएनजी बैकग्राउंड जो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख के डाउनलोड करके एंड यूज़ कर लेना, ठीक है? तो आप यहाँ पे गाइस हमने जो शेडो वगैरह बना लिए, तो अब बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो गाइस, इसमें जो है आपको जब यहाँ पे परफेक्ट तरीके से जब आप यहाँ पे शेडो क्रिएट कर लोगे, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे गाइस बैक साइड मेरा रह गया तो मैं इसको पहले पेंट कर लेता हूँ। एंड गाइस, आप देखिए यहाँ पे जो क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है इसका ओपेसिटी यहाँ पे कम कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है? तो ओपेसिटी जब आप कम कर दोगे तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली अब आपको यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है? तो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना अगेन ऐड फोटो में। एंड गाइस, यहाँ से ऐड करना है आपको विगनेट का पीएनजी। अब गाइस, इसको ऐड करने के बाद आपको पहले फुल स्क्रीन करना है, ठीक है? एंड फुल स्क्रीन करने के बाद आपको उसको ऊपर की साइड में कुछ इस तरीके से रखना है, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे आप चाहो तो उसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद आपको डन कर देना है। एंड गाइस देखिए, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है? तो गाइस देखिए, काफ़ी फर्क आ गया है फोटो में, है ना? तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव कर लेना फोटो को, एंड इसको लेके चलना लाइट रूम ऐप में, रीटच करके एकदम इसको रियल बना देना हमें, ठीक है? तो अब यहाँ पे गाइस जो है मैंने फोटो को ऐड कर लिया है, तो अब आपको यहाँ पे जाना है लाइट वाला ऑप्शन में, आपको उसका कॉन्ट्रास्ट जो है इसको यहाँ पे कम करना है, एंड जो हाईलाइट है इसको इंक्रीज करना है, एंड जो शेडो है इसको इंक्रीज कर देना है, ठीक है? अब इसके बाद जो व्हाइट है इसको यहाँ पे जो है थोड़ा सा कम कर देना, एंड जो ब्लैक है इसको यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज नहीं माइनस कर देना ब्लैक को। फिर आपको जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, टेम्परेचर जो फोटो का वो हल्का सा कम करना है, ताकि फोटो में जो ब्लू टोन आ जाए थोड़ी सी, है ना? तो अच्छी लगेगी फोटो। फिर आपको जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस करना है, एंड जो ल्यूमिनस है वो बढ़ा देना है। फिर इतना हो जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे लेना है येलो कलर। अब येलो कलर है जो गाइस इसका ह्यू आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? आपको इसी साइड में भी रख सकते हो, अदरवाइज आप इसका सैचुरेशन माइनस भी कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए हो तो। फिर आपको जाना डार्क ब्लू में, आपको उसका जो सैचुरेशन है इसको प्लस करना है, जो ह्यू है इसको भी यहाँ पे प्लस कर देना थोड़ा सा, एंड कर देना डन। अब गाइस इसके बाद जाना आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे गाइस फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है। फोटो में जो विगनेट है वो अपनी फोटो के अकॉर्डिंग आपको डालना है, ठीक है? ज़्यादा नहीं डालना है, ना कम डालना, अपनी फोटो के अकॉर्डिंग डालना है। फिर आपको हमें मिलेगा ग्रे अमाउंट, आपको यहाँ पे इसको बढ़ा देना है, एंड जाना ऐसे आपको नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की जो शार्पनेस उसको इंक्रीज करना है, एंड जो नोट रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गाइस, मिलता हूँ सभी से किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।